हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सबको नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। और अपने आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं और मैं घमू घमू राजस्थानी चैनल पर आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आप सबका मोस्ट वेलकम है और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो बाड़मेर में एक दो जगह है, वहाँ पर हम चलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। और कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो पहले वो मेहमान आएंगे, फिर वो करेंगे, मतलब कि अच्छा खासा आपके ज़बरदस्त वाला होने वाला है ब्लॉग। तो आपको ब्लॉग पसंद आए तो फिर ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर लाल बटन है, वो उसको दबा देंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। और दोस्तों, इस ब्लॉग की कोई भी बात जो आपको मतलब अच्छी लग गई हो कि हाँ जी ये बात सही है, ये अच्छी है, तो फिर वो मतलब कमेंट कर देना आप। तो दोस्तों, ये हमारी गली में हमारे घर पर कौन मेहमान आ रहे हैं जिनके साथ हम भी हैं, तो चलिए देख लेते हैं। वैसे तो जो है नए मेहमान नहीं है, आप मिले हुए होंगे, क्या पता। मैं आप लोगों के लिए रसोई में चाय बनाने आई हूँ, तो आप रसोई में क्या कर रहे हैं? हम भी साथ में खड़े बातें कर रहे हैं। तो आप वहां नहीं बैठते जहाँ मेहमान बैठते हैं? बिल्कुल, हम क्या मेहमान है? नहीं, हम कौन से मेहमान? हम रोज आते हैं। माने जाओ, थोड़ी लेट मान लो यार। नहीं, हम मेहमान नहीं है। हमसे क्या चुप रहा जाता नहीं है। हम अगर 2 मिनट मुंह बंद रखेंगे ना तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात बताऊं अभी चाय पीने का, किन किन का मन हुआ है जरूर बताइए। और आज को आपको बता दूं, मुझे लगता है मेरी लाइफ की मुझे ये सबसे बेस्ट चाय लगी थी। पता नहीं इतनी अच्छी चाय कैसे बन गई थी, और मतलब सबने तारीफ भी की और मुझे खुद भी पीने में यकीन नहीं हुआ कि मैंने मेरे हाथ से बनाई थी। तो अच्छी चाय बनी थी। और चाय बनाने के बाद थोड़ी यहाँ पर बातें शाते कर लेते हैं। तो मेहमान तो आपने देख ही ली है, पुष्पा बालवा है और इनके साथ है पवन राजस्थानी। तो पवन तो हमारे घर पे पहली बार ही आई हैं। इनका पियर यहाँ पर बाड़मेर में है, ससुराल भी शायद बाड़मेर में कहीं पर है, लेकिन ये खुद रहती कहाँ पर है, ये जैसलमेर में रहती है। अगर जैसलमेर किसी को घूमने जाना हो तो मतलब ये सब जाना होता ना, मेरे 2 रोटी बाहर होते तो भी मैं एक ही नहीं, एक मुश्किल से नहीं, मुझे जाना बस। मुझे लगता है मेरी और पवन की कुंडली और मैं बैठ के तो कभी नहीं खाऊं अगर मुझे कहीं जाना हो तो। चलती फिर ऐसी जिंदगी वो थोड़ी उस टाइप की लगती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि ये जो बच्ची है ना पीछे खेल रही है दिव्या के साथ, वो पुष्पा की बच्ची है। और यहाँ आते ही बच्चों के साथ इतना जल्दी पुष्पा खुद अपने मुंह से बोल रही थी कि ये जो है आपके घर में आकर ही इतनी जो है नॉर्मल हो गई है बच्चों के साथ, बाकी जो है शर्माती है। और पुष्पा बता रही अपना ये वाला गाउन, बोल रही थी कि आज आपने मेरे गाउन की तारीफ नहीं की, ऑनलाइन लिया हुआ था लेकिन मुझे क्या है बैंगनी कलर बहुत कम पसंद है, और जो आसमानी कलर आते हैं ना ब्लू कलर के, वो भी थोड़े कम पसंद है। तो पुष्पा के ज़्यादातर फेवरेट कलर वही हैं, तो उसमें से पुष्पा की कुछ ड्रेस है मुझे पसंद आ जाती है लेकिन सारी नहीं आती। तो मैंने कहा ये स्वेटर मुझे पसंद आ गया है लेकिन आज मुझे आपका कुर्ता ज़्यादा पसंद नहीं आया है। तो इसी बात पर हम सब जो है, तो चाय और बातें हो गई है और पुष्पा को बहुत लेट हो रहा है और इसके साथ पवन को भी काफ़ी लेट हो रहा है, तो दोनों ही निकल रही हैं। शाम का टाइम था, लगभग ये शाम को ही आई हैं। तो अब हम आपको आगे बताएंगे कि नेक्स्ट हम कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्या किया है। अभी, 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 अभी। क्या लाना? पेपर। चलो भाई, ये पवन मासी देखे गए। तो ये मेरे बच्चे देखो पहली बार पैसे देख के कुछ खुश हुए, बाकी इनको पैसों से कुछ लेना देना नहीं। आ, तो आ रहा है यार, मेरे सामने ना होटल आ रहा है। 100 रुपए की 10 किटकैट ले आना। इधर से सही। इतनी कौन खाता है, कब खाएगा? लो तो ठीक है, 100 रुपए की 1 किटकैट ले आओ। जो भी पसंद है आपको चाहिए। रात में सड़कों पे घूम रही हूँ, बहुत सारा सामान लेके, सब्जी ली है, दूध दही लिया है, और दिव्या ने मुझे रात को दुकान पे भेजा सामान लेने के लिए। और अब यहाँ पे थोड़ा काम है, तो मेरी पता ही आपको एक जान पहचान की बच्ची हॉस्टल में रहती है, तो उनके कुछ दे के आना है, कुछ बोला है। आज भाई बाढ़ मेरे वाले ठंड काफ़ी है, बाल देखो मेरे। हॉस्टल गई थी, हॉस्टल बंद था, कोई नहीं था, लड़कियाँ थी नहीं, फिर वेट करना पड़ा वहाँ पर, और वो भी इतना सामान उठाए हुए। ये है दूध दही और ये है फ्रूट सब्जी, गाजर आलू। फ्रूट में कुछ नहीं, नारंगी है, आलू है और गाजर है। सही बताएं, गाजर का हलवा तो बच्चों का खाने का बहुत मन है, किससे कौन, बड़ी आलसी हूँ मैं, मेरे से गाजर किसी नहीं जाती। अब देखते हैं, नहीं किसी तो हम खा लेंगे ऐसे। सर क्या करना है बता दें तो। हाँ उसमें से निकाले, मिला, धीरे से निकालना, कुछ पटक ना मत, पैसे इतने अंदर।
चैन बंद कर। तो दोस्तों देख लीजिएगा चारों ओर से कैसा व्यू है और आसपास की जगह इस दौरे के। अभी तो मैं साइड में खड़ी हूँ, ऊपर खड़ी रह के आपको सारा दिखाऊंगी। इस साइड में है महाबार गाँव। वहाँ पर बॉक्स देखा है ना, वो क्या है पता नहीं। नमस्कार बाय बाय ए छोरा। तो दिव्या जी तो यहाँ पर रील में बिजी है और मैंने सामने देखा तो शर्म आ गई। और तेजू जो है इनके साथ, ये जो आए हैं पवन जी के साथ, इनसे दोस्ती करने में बिजी है। और लड़कों से ना मेंस से बहुत ज़्यादा जल्दी दोस्ती कर लेता है। मेंस नहीं होता वैसे, मैन होता है MEN। और ये पुष्पा पवन यहाँ पर रील बना रही है, वीडियो बना रही, पता नहीं क्या कर रही हैं। और ये जा रहा है एक साइड ताकि इनसे दोस्ती करके इनसे थोड़ा फ़ोन ले। और यहाँ पर ये बाड़मेर के उस साइड एक वो होटल है, मुझे नाम तो नहीं पता। तो ये दिख रही है यहाँ से, और फिर वहाँ से इसके पीछे से चौटन चौराया भी दिखता है इस साइड से। तो ये है मावार धोरा और वो होटल आपको दिख गई है। और इस साइड जो है हम यहीं गए थे और यहीं से वापस आ गए। बाकी सारे धोरे इस साइड में है, मतलब दूसरी साइड जहाँ हम खड़े हैं इसके दूसरी साइड। वो जो आपको दीवार दिख रही है ना, उसके दूसरी साइड गाँव भी उधर है और धोरे भी उधर है। और हम यहाँ खड़े खड़े वापस आ गए। वो इसलिए क्योंकि इस दिन बहुत ठंड थी और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, तो हमने सोचा भाई यहीं से चल लेते हैं, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बस आ गए सारे वापस यहाँ से। ये सब है यहाँ और मैं हूँ ऊपर चढ़ी हुई। मेरे को लगा तब लेट तो अब महाबार धोरों से तो आ गए थे, फोटो खींचे, रील्स बनाए, वीडियो बनाए, और वहाँ से वापस आके अब जाएंगे हम दूसरी जगह पर। वो जगह भी काफ़ी अच्छी है। पवन वहाँ पर गई हुई है नहीं, हम तो फिर भी गए हुए हैं। और पवन हमसे आगे ही रवाना हो गए थे और हमारे बच्चों को लग गई थी भूख, तो बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फिर बच्चों ने पसंद की है पानी पूरी यहाँ सिटी सेंटर के पास। तो सिटी सेंटर के पास पहले तो हम आगे गए कि आगे दूसरे किसी ठेले पर पानी पूरी लेंगे, फिर आगे मिली नहीं तो यहाँ पर वापस आए हैं। और तीनों बच्चों को और मैंने खाई है पानी पूरी। इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे, लेकिन आगे हम तो चले गए, लेकिन जहां हम गए वहां पर वो जो पवन और उनका पूरा स्टाफ था वो आगे था ही नहीं वहां पर। तो हमने सोचा आ जाएगा, और जब कॉल किया तो बोले हम थोड़ी देर से आ रहे हैं, कहीं फोटो खींच रहे हैं। और उन्होंने काफी देर, लगभग आधा घंटे तक वेट करवाया, आधे घंटे से ज्यादा। फिर हम तो परेशान होकर, ज्यादा थक गई थी ना, सोचा अब वेट, मतलब थके कुछ नहीं थी, हमने सोचा टाइम कौन खराब करे। तो फिर ये सब देखते हुए हमने फैसला लिया कि वो आए तब तक, ये रास्ता आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो हम यहाँ से जा रहे हैं जसदेर नाडी, और यहाँ पर जाकर चाय पी, तब तक वो नहीं आए। और फिर जो है आखिरकार मैं और पुष्पा अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा चलो अकेले होंगे तो थोड़े फ़ोटो वोटो अच्छे से लिए जाएंगे। वैसे जो है पीछे तालाब, जो इस बार बारिश तो कम ही है, पानी तो चिड़ियाओं से भरा हुआ। देखो यहाँ इस तालाब में मछलियाँ बहुत है। तो दोस्तों ये तो है यहाँ पर बागीचा जो आपको दिख रहा है, बाहर से जाली से बंद है। मैं तो बाहर से ही थोड़ा सा क्लिप ले रही थी। यहाँ से फिर हम जा रहे हैं अंदर की साइड, और इनके गेट पर ही, मतलब मेन एंट्री से थोड़ा आगे, यहाँ पर दो सुंदर सुंदर से बड़े बड़े से हाथी बने हुए, ये देखिएगा। तो और यहाँ इनके बीच एक थोड़ा सा नाडिया टाइप बनाया हुआ जिसमें पानी भी रहता है, अब तो पानी नहीं है। और इसके आगे जो जैसलमेरी भाटे की पत्थर की कारीगरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो हम मंदिर की साइड नहीं गए थे पहले, क्योंकि कारण ये था कि पहले मैं और पुष्पा इधर आ गए कि हम सब आएंगे ना तब साथ में मंदिर की साइड जाएंगे। ये एक मुख्य मंदिर। सूरज आ रहा आँखों के ऊपर। गाने बंद हो गए, अब आप अपने व्लॉग बना सकती हैं। रील से कुछ नहीं मिलेंगे, व्लॉग से एक दो रुपया आएगा घर के अंदर। ओह माय गॉड, इनको है ना अपनी फिक्र है ही नहीं घर की, जैसे सारी मुझे पड़ी। हाँ मुझे तो है। ये सूरज ये मैं किसको देखना पसंद करोगे? कोई गाली ना देख, जाओगे पुरुष देखना हमारे 500 फॉलोवर्स आ जाते हैं। सुबह से मुझे 500-600 आए हैं, तो थोड़ा कम। बुरे मन से कांग्रेचुलेशन, बे मन से हमारे तो आते नहीं है। इसमें साथ रहो मेरे, मजबूरी है क्या? और दुखी है हमारे नहीं आते। नो इसके देखो कलर अच्छा किया हुआ, देखो छत पे देखो। तो इनके घर का थोड़ी है, दान का आया हुआ है। अच्छी चीज यार, कोई पॉकेट वाली चीज की तारीफ कैसे सहन कर सकती हूँ।
तो थैंक यू दोस्तों, ये था आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ चीज़ आपको अच्छी लगी है, कोई चीज़ अच्छी लगी है तो। और थैंक यू, लव यू ऑल, मिस यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।